जब तक पुनपुन में पिंड दान करके नहीं ये करेंगे तो वहाँ जाने पर सफल कार्य नहीं हो पाएगा। बाद वहाँ से सीता कुंड में होते हैं जहाँ सीता जी ने पिंडदान किया है अपने पूर्वजों का। अच्छा, खरमास महीने में इसलिए कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाए। हाँ, तो ये शुभ कार्य नहीं है। दान से दुर्गति का नाश होता है। दानम दुर्गति नाश। ये शरीर के अंदर दो प्रकार की चीज है, एक को आत्मा कहते हैं, एक को जीव कहते हैं। तो एक को सात्विक प्रेत कहते हैं जिसके मालिक विष्णु जी हैं, एक को राजस प्रेत कहते हैं जिसका मालिक ब्रह्मा जी हैं, और एक को तामस प्रेत कहते हैं जिसका मालिक शंकर जी हैं। इन्हीं की अकाल मृत्यु हो गई, जैसे सर्प काट लिया, बिच्छा काट लिया, हैं वो सब अकाल मृत्यु है। दान पुण्य करने से सही रहता है। दान पुण्य करने से उनकी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। पंडित जी के पास वैसे लोग आते हैं कि सामर्थ्य हैं, फिर भी चाहते हैं कि चलो दान वाला काम जितना कम से कम में हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आप सभी को मालूम है कि 14 तारीख के बाद खरमास चालू हो गया, और यह खरमास जो है जनवरी के 14 तारीख के बाद, यानी कि आपका जो संक्रांत हुआ उसके बाद फिर यह खरमास उतरेगा। और इस महीने का जो भी काफ़ी महत्व है, या पूस का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस समय भी यह जो खरमास चल रहा है, इस समय भी पितृपक्ष मेला लगाया जाता है। और मैं पुनपुन में मौजूद हूँ इसी मेले में। यहाँ पर पंडाल आप देख सकते हैं। पहले तो आपको बता दूँ कि यह जो पंडाल जो बना है, करीबन 30 लाख यहाँ पे खर्च हुए हैं सरकार के और पर्यटन विभाग के, और उसके बाद यह पंडाल बना है। हालांकि भीड़ कम दिख रही है इस वजह से, क्योंकि अभी ही शुरुआत हुई है। और यहाँ का सारा माहौल मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्या खासियत है, आखिर पुनपुन में लोग क्यों आते हैं। क्योंकि गया के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लोग क्यों पुनपुन में आते हैं। थोड़ा सा मैं नदी का भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आने वाले हैं वो थोड़ा सा पहले यह वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा कि क्या व्यवस्थाएँ हैं, कैसे वहाँ पर क्या होता है, ये सारी जानकारी आप ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए, आप सीढ़ियों से यहाँ जा सकते हैं, हालाँकि पानी काफ़ी कम है, लेकिन व्यवस्था कुछ ठीक ठाक ही है। कुछ काम भी लगा हुआ है। यहाँ के पुरोहित जो रहते हैं, जो पंडित जी रहते हैं, जो पिंडदान करवाते हैं, थोड़ा सा हम उनसे जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये पूस महीने का महत्व क्या है। हालांकि इस महीने में थोड़ा सा कम भीड़ देखी जाती है। चलिए पुरोहित जी के पास चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। पिंडदान की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। पुरोहित जी यहाँ पे, पंडित जी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पंडित जी, आप लोग यहाँ पे ये करवा रहे हैं, अभी थोड़ा भीड़ कम देखने को क्यों मिल रहा है? अभी भीड़ लगेगा, और सुबह में ज़्यादा भीड़ रहता है। सुबह में जो है ना ज़्यादा भीड़ रहता है, हम लोगों को आने में लेट होने के कारण अभी भीड़ कम है, लेकिन सवेरे सवेरे आइए तो ज़्यादा भीड़ मिलेगा। यहाँ का महत्व हमको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि गया का महत्व तो हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर भी आते हैं। पहले यहाँ पितरन लोगों को पहले यात्रा बनता है। अच्छा, यात्रा किस तरह का यात्रा बनता है? पितरन लोगों का। अच्छा। जब तक पुनपुन में पिंड दान करके नहीं ये करेंगे तो वहाँ जाने पर सफल कार्य नहीं हो पाएगा। क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? इसका अर्थ है कि यहाँ से पितरन लोगों को यात्रा करके, पुनपुन में पिंडदान करके, तब यहाँ से जाएंगे, तब वहाँ का कार्य सफलपूर्ण होगा। जब तक किसी भी, जैसे आप लोग आए हैं तो यात्रा किए हैं कि चलना है पुनपुन, तो जाना है गया, तो गया जाना है तो पुनपुन से यात्रा कर ही करके, यानी जब तक यहाँ पिंडदान नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद गया जाते हैं। गया में भी पिंडदान ही होता है, तो वहाँ पिंडदान होता है आपको प्रेतशिला, उत्तर मानस, दक्षिण मानस, फल्गो, प्रेतशिला, रामशिला, काकवली, ब्रह्मकुंड, ये पांच स्थान में वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से सीता कुंड में होते हैं जहाँ सीता जी ने पिंडदान किया है अपने पूर्वजों का। अच्छा, खरमास महीने में इसलिए कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। हाँ, तो ये शुभ कार्य नहीं है, ये पितरन लोगों को मोक्ष दिलाना अशुभ कार्य है। इसलिए कहा जाता है कि कोई शुभ काम खरमास मेला में नहीं किया जाता। हाँ, नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछना है पंडित जी, कि कहते हैं लोग कि पिंडदान अगर करवाना जाए तो वहाँ पे दान पुण्य ये करना चाहिए, पितरों लोगों को साल भर के क्या खाना देना चाहिए, क्या है ये? उससे उनकी मुक्ति मिलती है। दान से दुर्गति का नाश होता है। दानम दुर्गति नास्ती। दान से दुर्गति का नाश होता है, इसलिए दान हर एक जगह दिया जाता है। अब आपके पितरन में कोई जो हैं कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक्सीडेंट हो गया, मर गए तो उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो गई। ये शरीर के अंदर दो प्रकार की चीज़ है, एक को आत्मा कहते हैं, एक को जीव कहते हैं।
तो जीव जो है वो अपने कर्मानुसार 84 लाख योनि है, उस 84 लाख योनियों में जो है उत्पन्न ले लेते हैं अपने कर्म के अनुसार, और ये आत्मा जो है भटकने लगता है। तो समाज में बात आई है कि 3 प्रकार का प्रेत आत्मा मिला है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो एक को सात्विक प्रेत कहते हैं जिसके मालिक विष्णु जी हैं, एक राजस प्रेत कहते हैं जिसका मालिक ब्रह्मा जी हैं, और एक तामस प्रेत कहते हैं जिसका मालिक शंकर जी हैं। तो उनके लिए गया में त्रिपिंडी श्राद्ध भी किया जाता है। वो बोध गया से 3 किलोमीटर पूर्व में एक धर्मारण्य स्थान है, वहाँ बुद्ध भगवान तपस्या किए थे। तो उनको तपस्या को भंग करने के लिए नाग जो है लेकर के 3 पुरुषा ऊपर खड़ा हो गया, तो अपने सत के बल पर उसको दाबे तो 3 पुरुषा नीचे हो गया। तो उस कुआं में भी पिंड को दान कर करके, जो हमारे पूर्वज में किन्हीं की अकाल मृत्यु हो गई, जैसे सर्प काट लिया, बिच्छा काट लिया, वो सब अकाल मृत्यु है। तो दान पुण्य करने से सही रहता है, दान पुण्य करने से उनकी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। अच्छा पंडित जी, दान पुण्य अपने मतलब जितना हैसियत है उसके अनुसार अपने मन से करना चाहिए, इच्छा के अनुसार है। कुछ पंडित लोग जो है डरा देते हैं कि आपको इतना करना है नहीं तो नर्क में जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। वो तो पंडित अपने स्वार्थवश ही करते हैं, समझ रहे हैं। हैसियत उतनी नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा, अपने इच्छा के अनुसार। दान जो है अपने इच्छा के अनुसार ही होता है, और उसमें भी कुछ लोग पंडित जी के पास ऐसे लोग आते हैं कि सामर्थ्य हैं फिर भी चाहते हैं कि चलो दान वाला काम जितना कम से कम में हो जाए। अच्छा। तब उसे में आप लोग क्या चालाकी करते हैं? तब हम लोग चालाकी करते हैं कि 5 जगह देना है तो उसको 10 जगह दिलवा दिए। जो बात है क्लियर है, समझ गए ना? चलिए पंडित जी, ठीक है। चलिए, तो आपने सुना कि पितृपक्ष जो मेला जो लगा हुआ है, और आपने सुना ही कि किस तरह से दान पुण्य, यहाँ पे कहा जाता है कि पितृपक्ष आज के दिन जो है खरमास महीना हो या पितृपक्ष मेला हो, उस समय जब दान किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, और जितना मन बन पड़े आप पंडित लोग को दान दीजिए। और कहा जाता है कि इस समय पिंड दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो आपके पीढ़ी जो पूर्वज जो चले गए हैं उन लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, और दूर दूर से, सिर्फ भारत के कोने से ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो रह रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं इस समय। हालांकि अभी शुरुआत है, महीने का शुरू चल रहा है, लेकिन अभी 1 महीना बचा हुआ है, 14 तारीख तक, जनवरी के 14 तारीख तक यह खरमास चलेगा, और अभी भीड़ की संख्या अभी बढ़ेगी। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।